रविवार को आसियान समारोह में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि वर्ष 2015 में सऊदी के शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सीधा फोन कॉल विश्वास पात्र साबित हुआ था, जिसमें यमन में फंसे भारतीयों एवं विदेशियों को वहां से निकालने में सहायता मिली थी। सुषमा स्वराज आसियान समारोह में भारतीय लोगों से वार्तालाप कर रही थी। इस दौरान सुषमा ने वर्ष 2015 में सऊदी अरब और उसके सहयोगियों के सैन्य दखल के दौरान यमन से 4000 से अधिक भारतीयों एवं विदेशियों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन राहत शुरू किया था। सुषमा ने बताया कि 2015 में जब सऊदी हमला यमन पर हुआ तो वो बेहद चिंतित थी। हजारों भारतीय यहां फंसे हुए थे, उन्हें बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था क्योंकि सऊदी फौज लगातार बमबारी कर रही थी। तब सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मसले पर चर्चा की। स्वराज ने आगे कहा कि वे नरेंद्र मोदी के पास गई थी और उन्हें कहा था कि सऊदी अधिकारियों से उनके अच्छे संबंध हैं, वे इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने राहत प्रक्रिया आरंभ की। उनसे आग्रह किया गया कि रियाद में राजा से बात करें। उनसे एक सप्ताह तक बमबारी रोकने की अपील की गई। सऊदी किंग ने रोजाना 2 घंटे सुबह 9 से 11 बजे तक बमबारी रोकने पर सहमति जताई। अगर मोदी के दूसरे देशों से अच्छे रिश्ते ना होते तो शायद ये कभी संभव नहीं हो पाता। मोदी की विदेश नीति और मोदी की चतुराई से ये सब संभव हो पाया था। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।